गुड मॉर्निंग 11th क्लास बेटा, आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.3। फर्स्ट 9 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, उसके आगे करते हैं। बुक निकालो बेटा अपनी और स्टेटमेंट रीड करते हैं। एक्सरसाइज 11.3, एक्सरसाइज 11.3, स्टेटमेंट रीड करो। 9 हो चुके थे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20, 10 से लेकर 20 क्वेश्चंस तक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। कह रहे एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। कह रहे नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं 20 तक, सारे क्वेश्चनों के अंदर वो क्या कह रहे हैं, एलिप्स की इक्वेशन बनानी है और कंडीशन हमारे पास गिवन होगी। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन है 10th, 11th, 12th, ये तीनों क्वेश्चन सेम है, एक करा रहा हूँ, बाकी दोनों अपने आप करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10th करता हूँ मैं, 11th, 12th अपने आप। ठीक, वर्टिसेस गिवन है ±50, फोकी गिवन है ±40। कह रहे एलिप्स की इक्वेशन बनाकर दिखा दो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बोर्ड पे। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, वर्टिसेस राइट हियर, फोकी इधर। एलिप्स की हमने आपको दो इक्वेशन आपको पढ़ाई थी, एक लिखी थी हमने x² / a² / y² / b² = 1, एक लिखी थी हमने x² / b² + y² / a² = 1। अगर आप दी हुई कंडीशन से अगर आपको a और b की वैल्यू पता चल गई तो आप फॉर्मूले में a और b की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर कि जो भी कंडीशन आपको दे रखी है आप उसका यूज़ करके आप a और b की वैल्यू निकालो। बस अगर ये भी निकल गया तो आप फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, देखो अगर वर्टिसेस गिवन है a₀, वर्टिसेस क्या है a₀, तो फर्स्ट टाइप है। अगर यहाँ लिखा है 0a, पहले 0 लिखा है फिर a, तो वो सेकंड वाली इक्वेशन बनेगी। पहले a कॉमा 0 है तो फर्स्ट टाइप है, जैसे फोकी से भी पता चल जाता है c, 0 तो वो फर्स्ट टाइप लगेगी। अगर 0, c है तो वो सेकंड टाइप यूज़ होगी। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा कौन सा यूज़ होगा, फर्स्ट टाइप वाला यूज़ होगा। ठीक है, तो सेकंड वाला मिटा देते हैं। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, सिर्फ ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे गिवन कंडीशन से। कैसे, देखो वर्टिसेस लिखा है, वर्टिसेस को हम कैसे लिखते हैं, ±a, 0। फोकी को किससे डिनोट करेंगे, ±c, 0। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी बन गई 5, सी की वैल्यू कितनी हो गई 4। ओके, सी का फॉर्मूला यूज़ करो, ए तो निकल गया, बी और निकालना है बस। सी का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² √ = 4। ओके, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 5² - b² √ = 4। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 5² = 25 - b² = 4 = 16। 16 लेफ्ट में, b² राइट में, 25 - 16 = 9 = b². टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बी स्क्वायर ही चाहिए होता है, स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है। बी स्क्वायर कितना है हमारे पास 9। अगर मैं यहाँ से a² निकालूँ तो 5² कितना बन जाएगा 25। तो हमको a² b² ही चाहिए ना, और ये हमारा फर्स्ट टाइप का है। एलिप्स की इक्वेशन में a² b² की वैल्यू पुट कर दो, x² / a² = 25 + y² / b² = 9 = 1। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। ओके, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12th है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14th सेम है, 13th मैं करा रहा हूँ, 14th अपने आप करना है। ठीक है, स्टेटमेंट रीड करें। 13th क्वेश्चन इज एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस ±30। मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट हैं वो ±30 है, ये गिवन है। एंड ऑफ माइनर एक्सिस इज 0 ±2। ओके बेटा, ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट हैं, ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट गिवन है। क्लियर, तो कहता है कि इलिप्स की इक्वेशन बना दो, ऐसे ही 14th क्वेश्चन होगा। ओके, बेटा ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट हैं, ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अभी कर अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो कैसे बनाएंगे, देखो ये x एक्सिस -x, y
माइनस वाई ओरिजिन। ओके तो यहाँ क्या लिखा है, प्लस माइनस थ्री जीरो, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स तो थ्री सेंटीमीटर वाई जीरो, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा थ्री कॉमा जीरो, माइनस थ्री कॉमा जीरो तो यहाँ पर आएगा। ओके एक्स जीरो वाई टू यहाँ पर आ जाएगा, एक्स जीरो वाई टू और एक्स जीरो वाई माइनस टू, ऐसे लिखेंगे। सारे पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दो। ओके बेटा ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस का ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट हो गया। तो अगर ये मेजर एक्सिस है, ये एंड पॉइंट है, तो इस पॉइंट को तो हम वर्टेक्स बोलते हैं ना, तो ये अगर ये वर्टेक्स है तो ये क्या बन गया ए कॉमा जीरो, और ये वाला क्या बन जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो, और यहाँ पर ये जीरो कॉमा बी, और यहाँ से जीरो कॉमा माइनस बी। तो हमको तो सिर्फ ए और बी की वैल्यू चाहिए ना बस, तो ए की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ से थ्री, बी की वैल्यू कितनी आ गई टू। एलिप्स के इक्वेशन बनाने हैं तो यहाँ पे लिखना है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फर्स्ट टाइप का होगा क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर बना है, तो फर्स्ट टाइप, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह थ्री, थ्री स्क्वायर इज नाइन, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टू स्क्वायर इज फोर इज इक्वल टू वन, दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। ओके सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, 15th और 16th दोनों क्वेश्चन सेम हैं, 16th मैं करा रहा हूँ, 15th अपने आप करना है। ओके क्या लिखा है देखो यहाँ पे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ 16 है, फोकी गिवन है 0 प्लस माइनस 6, कहता है कि एलिप्स के इक्वेशन बनाकर दिखा दो। ओके देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16, फोकी हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से 0 प्लस माइनस c, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b, अगर यहाँ पे मेजर होता तो 2a लेना है, माइनर है तो 2b लेना है, अगर आपको ए और b की वैल्यू पता तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ से 2b इसकी लेंथ गिवन है, तो 2b इक्वल 16, 2 से इसको डिवाइड कर दें तो b इज इक्वल टू 8, तो ये b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट c किसके इक्वल बन गया यहाँ पे c 6 के। ओके सी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट इज इक्वल कितना 6, पुट द वैल्यू ऑफ बी हेयर, ए स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 6, स्क्वायरिंग बोथ साइड ए स्क्वायर माइनस 64, 6 स्क्वायर 36, ठीक है 64 राइट में 64 एंड 36 दोनों ऐड कर दो, कितना हो गया 100, और यहाँ से बी स्क्वायर फाइंड कर लें तो 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। हमें एलिप्स के इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स के इक्वेशन फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप, अगर यहाँ पे होता सी कॉमा जीरो तो फर्स्ट टाइप, जीरो कॉमा सी तो ये सेकंड टाइप बन गया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर 64 एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 100 इज इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th, क्वेश्चन नंबर 18th दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है एक करा देता हूँ एक अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17th मैं करा रहा हूँ, फोकी गिवन है प्लस माइनस 3,0, ए इज इक्वल टू 4, कह रहे एलिप्स के इक्वेशन बनाकर दिखा दो। ओके तो फोकी गिवन है हमारे पास प्लस माइनस 3,0, ए इज इक्वल टू 4, एलिप्स की इक्वेशन बनाकर दिखानी है, तो फोकी को हम किससे डिनोट करेंगे, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो से, ए हमारे पास गिवन है तो सिर्फ बी ही फाइंड करना है ना बस, तो सी कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और ए कितना हो गया 4, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 3, ठीक है ए की वैल्यू पुट कर दो 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायरिंग बोथ साइड 16 बी स्क्वायर 3 नेक्स्ट लेफ्ट में 16 माइनस 3 13, तो ये बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर निकालो ए स्क्वायर इज 4, तो ये हमारा एलिप्स कौन सा टाइप होगा फर्स्ट टाइप,
बिकॉज c कॉमा जीरो लिखा हुआ है, 4 square 16। ओके नेक्स्ट इलिप्स की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, x² + x² / a² + y² / b² = 1। पुट द वैल्यू ऑफ a² इन b² a² = 16 b² = 13 = 1। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा चलो नेक्स्ट, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके थैंक यू।